नीमच जिला ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आने को लेकर नीमच जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट में हुई है, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर और एसपी सहित व्यापारी व नीमच के कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे हैं, जिसमें शहर की दुकानें खोलने को लेकर चर्चा भी हुई है, जिसमें किराने सहित सब्जी मंडी खोलने का निर्णय भी लिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक थी। चूँकि अब नीमच येलो जोन में आ गया है, तो उसके अनुसार जिले की आगे की गतिविधियाँ कैसे होंगी, उसमें कुछ सुझाव आए हैं, कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे प्रमुखता जो निर्णय है कि मंडी अभी बंद रहेगी, इसके साथ साथ जो भी व्यापार होगा वो सौदा पत्रक से कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो सुझाव आया है कि जो हमारे जो ट्रक्स आते हैं सिटी में, उनके कुछ पॉइंट्स फिक्स किए जाएंगे, जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी हो पाए और उनको सैनिटाइजेशन भी कराया जा सके। इसके अलावा हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोग उस व्यवस्था को बना लेंगे। चूँकि अब दो दिन से कर्फ्यू है नीमच में, तो उसको हम लोग अब ढील देंगे कल से, और जो रियायतें देनी है बाज़ारों को, फिर से हमको किस तरीके से खोलना है। कंटेनमेंट जोन हमारी सारी बंद रहेंगी, जो अभी तक हमारी दो हैं, तो अभी हो सकता है शाम तक और कुछ कंटेनमेंट जोन बने, तो कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के बाज़ारों में कितना खोलना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म भी रहे और कम से कम लोग आए, उस व्यवस्था को बनाने हेतु हम लोग शाम तक विस्तृत आदेश भी निकाल देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एसोसिएशंस के द्वारा भी एक बोला है कि वो अपने मानक स्तर तय करेंगे, और जिन एसोसिएशन की दुकानें खुलनी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का नाम अनिवार्यता कराएंगे, और अगर वो नहीं कराते हैं तो फिर वो एसोसिएशन ही उन दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी, जिससे ये जो नॉर्म है वो कम्प्लीटली फॉलो हो पाए। इसके अतिरिक्त सब्जी मंडी का एक विषय था, सब्जी मंडी हम लोग कल से खोलेंगे। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो कुछ सुझाव थे उनको ठीक करते हुए, कुछ एक सुझाव ये था कि कुछ लोग छूट गए हैं, तो उन लोगों को नाम जोड़ के हुए, और नए जो पुराने कुछ व्यापारी हैं, अगर कहीं वो छूटे हैं लिस्ट में, उनको ऐड करते हुए हम लोग एक व्यवस्था मंडी वालों के साथ विचार विमर्श करके बना लेंगे। तो इस तरह के सुझाव आए हैं, और इसको हम लोग आज शाम तक एक विस्तृत आदेश के तौर पर निकाल देंगे। देखिए, नीमच में हम इस अचानक हमले से, क्योंकि देश अपने आप को कोरोना के बीच जीने की प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ रहा था, हम जानते हैं कि ये भीषण विभीषिका है और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपने में ग्रसित कर चुकी है, उसके बीच में हमने कैसे व्यापार और कैसे व्यवहार करना, उस पर नित्य प्रति की बात करते करते नीमच में और ग्रीन से ऑरेंज की तरफ बढ़ गए हम। और इसलिए मैं नीमच की जनता से एक बात का आग्रह करूँगा कि हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नित्य प्रति के व्यवहार में कोरोना के बीच रहने की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। आज हम व्यापारिक एसोसिएशनों के साथ बैठे थे और व्यापारिक एसोसिएशन ने अपने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, बाहर से आने वाली ट्रकों को कैसे सैनिटाइज किया जाए, इस पर भी प्रशासन ने और हमने बात की है। हमने भी सुझाव दिया है कि नगरपालिका अपना एक बैरिकेडिंग्स लगाए, सशुल्क भी अगर नगरपालिका चाहे तो उन बाहर से आने वाली ट्रकों को सैनिटाइज करे, बाहर से आने वाले लोगों को कैसे सैनिटाइज करके और अंदर ट्रक चालकों को अंदर प्रवेश दिया जाए, इस पर गंभीर रूप से चिंतन हुआ है। जो लोग, चूँकि पहले हम ग्रीन से ऑरेंज में आए, तो ये ऑरेंज में हमारी बैठक हुई, पहली बैठक, और उसमें चार लोग हमारे यहाँ अभी पाए मिले हैं कोरोना अफेक्टेड पॉजिटिव, और पांचवें व्यक्ति जो सीधे अहमदाबाद गए वहाँ पॉजिटिव आए हैं। उनसे रिलेटेड उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के हिसाब से जितने लोग थे उनको सबको क्वारंटाइन किया, और जो आज जो केस आया है उनसे रिलेटेड सभी लोगों को ट्रेस करके और क्वारंटाइन करने की तैयारी चल रही है। जो लोग मिले हैं बहुत माइल्ड हैं, अभी उनमें सिम्टम्स इस टाइप के अभी तक नहीं डेवलप हुए, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, बहुत स्ट्रांग उनमें कोरोना नहीं है, ऐसा जानकारी में आया। दूसरा, जब तक सारे हॉट स्पॉट ट्रेस नहीं हो जाए, जब तक शहर का स्कैनिंग नहीं हो जाए, तब तक कोई भी छूट देने के हम सब विरोध में हैं कि किसी भी तरह की छूट देने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोरोना हमारे घर में घुस चुका है, इसलिए अब सुरक्षा करना हमारे को बहुत ज़रूरी है। और कोई भी छूट जब तक सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए कि भैया हमारे हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, हम उनको एक बार क्वारंटाइन कर दें, उनका कंटेनमेंट एरिया बना लें, उसके बाद बाकी लोगों को छूट देना शुरू करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, ऐसा आज की बैठक में तय हुआ। दो तीन दिन में एक बार सब चीज़ें ट्रेस हो जाएंगे, तो फिर बाकी जो छूट देना है पूर्व की तरह कि हमारे बाकी मार्केट एक एक करके एक एक बार को एक एक दुकान खुल जाए, इस तरह से एक सिस्टम वापस डेवलप हो जाएगा,
मिलन की व्यवस्था की गई। इस बैठक के माध्यम से सब जनप्रतिनिधियों के, सामाजिक संस्थाओं के, व्यापारियों के जो सुझाव आए हैं, उस सुझाव के आधार पर आने वाली कार्य योजना बनाई जाएगी। और हमने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि हम कोरोना जो लोग छुपाते हैं उनसे हम आज अपील करते हैं कि वो कोरोना से डरे नहीं, छिपाए नहीं। और यदि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर पे आ रही है, स्क्रीनिंग करने आ रही है, आपको चेक करने आ रही है, तो वो घर के सारे सदस्य अपने आप परिवार को चेक कराएं, जिससे कि हमको आत्मबल बढ़ेगा। हमको कोरोना से लड़ना है, ये बीमारी एकदम जाने वाली नहीं है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।